नमस्कार आदाब। पब्लिक चैनल से मैं लालू मशीन। दोस्तों आज मुमरा के अंदर जो मुमरा स्टेशन के पास कभी पेट्रोल पंप हुआ करता था वहां से चार लोगों को पकड़ा गया है। एक का नाम बताया जा रहा है रफीक, एक का अमजद बताया जा रहा है और एक का जो है मुमताज जो लेडीज है और एक का हनीफ। तो ये चार आरोपी है, ये चारों आरोपी को पकड़ा गया है। और दूसरी चीज है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये खड़ी मशीन रोड मुमरा में वहां पे रहते थे और उनके साथ में जैसे कि आप देख सकते हो कि एक गाड़ी भी है, ईटीवस गाड़ी है टी परमिट। वो गाड़ी के अंदर जो है कुछ बाहर का डॉलर्स जो है कुछ 21 लाख रुपए के आसपास में बताया जा रहा है, जो मतलब ये मतलब पकड़ा गया है, मुमरा पुलिस ने पकड़ी है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मतलब उनको हाथ में मिली है। अभी फिलहाल मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने इनकम टैक्स विभाग को भी फोन करके बताया, वो ऑफिसर्स भी इनकम टैक्स विभाग से भी कुछ लोग आए हैं और उनका पूछताछ हो रहा है कि ये पैसा कहाँ और क्यों लेके जा रहे थे और ये फॉरेन करेंसी इनके पास इतना आया कहाँ से, ये सब पुलिस जो है खंगालने में लगी है। खैर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा कि मतलब ये लगी है और ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। मैं एफआईआर की कॉपी भी इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया है, वो एफआईआर की कॉपी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो गाड़ी बरामद की गई है वो गाड़ी भी तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए कुछ कीमत बताई जा रही है, वो भी मतलब बरामद की गई है, वो भी पुलिस की कस्टडी में है। तो ये बहुत बड़ा एक आए दिन जो है मुमरा के अंदर जो है कुछ ना कुछ एक नई नई चीज है जो सामने आ रही है। तो ये मतलब बहुत एक दुख का जो है एक ये है कि मतलब हाँ इस तरीके से मतलब नहीं होना चाहिए कि मतलब मुमरा के अंदर जो है ये अपराध इतना पनप रहा है और अपराध पनप रहा है तो ये क्यों पनप रहा है और कहाँ से पनप रहा है, तो ये पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि हाँ ये पुलिस जो है इसकी कामयाबी पुलिस के हाथ लगेगी और पुलिस बहुत अच्छा मतलब अपना रोल इस वक्त जो है मतलब निभा रही है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।